पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री का ठोस अवस्था, पहला चैप्टर देखेंगे हम ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है कक्षा 12 का। देखो, अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा की फ्री तैयारी कराते हैं, हाई स्कूल और इंटर की। तो आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, आज हम इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ठोस अवस्था। चलो, ठोस क्या होती है बताइए कि ठोस क्या है? ठोस सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड। ठोस क्या है? ठोस, देखो ठोस क्या है हमारा, कोई भी वस्तु जैसे समझे ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है। क्या होती है? ऐसे ये है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है, वह अवस्था होती है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार, जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था, देखो अब क्या है ठोस, हमने क्या लिखा? ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है कि जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा, देखो जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर हमारी क्या है, ठोस अवस्था में है। जैसे चौक देखो, देखो जिस चौक को हमने क्या कहा, जहाँ पर भी चौक को रख देंगे तो चौक क्या को एक, जैसे मार्कर हमने यहाँ पर रखा तो मार्कर एक अपना निश्चित स्थान ले रहा, तो इसने कोई अपने एक निश्चित स्थान ही तो ग्रहण करेगा, तो इसका एक निश्चित स्थानों का और इनका आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो यही होती ठोस अवस्था। जैसे हमने यहाँ पर कहीं पर एक चौक रख दें तो चौक जिस जगह पर रखा जाएगी तो चौक एक निश्चित उसका आकार होगा और निश्चित ही उसका एक आयतन होगा, बोले निश्चित ही जगह पर वो निश्चित ही स्थान चौका करेगी, कवर करेगी, तो वो क्या हुई हमारी ठोस अवस्था में हुई। तो जी हमारी क्या है? ठोस है, तो हमारी ये ठोस कहलाती है कोई भी वस्तु। अब तो ठोस, ठोस में क्या होता, इनमें होते हैं आकार निश्चित होते हैं, जिनमें आगे जिनमें जिनमें दो घटक या संघटक कणों के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। जी क्या कहता है? ठोसों के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, क्योंकि ठोस एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधी रहती हैं। जी आकर्षण बल के कारण ठोस एक दूसरे से बहुत ही मजबूती के कारण बढ़ी रहती है, जिस कारण इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ठोस क्या होता है? ठोस एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जब हमने बताया ठोस को ही सॉलिड ही बोलते हैं, मतलब इनको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। जी ये क्या होते हैं? प्रबल आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। अब यहाँ लिखो ठोस के गुण, ठोस के क्या क्या गुण हैं? देखो पहला ठोस का गुण क्या होता है, जैसे ठोस का गुण पहला हम बताए, देखो इनका क्या होता है पहला गुण, देखो ठोस का, ठोस के आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं इसके? दोनों निश्चित होते हैं, आकार दोनों निश्चित होते हैं। अभी हमने बताया था ऊपर आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, जहां जिस जगह पर ठोस को रखोगे तो ठोस एक निश्चित ही स्थान कवर करेगा। तो एक ठोस क्या होगा? ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होगी। ठीक, अगला इनकी क्या होती है? ठोस की कंप्रेसिबिलिटी, सिबिलिटी
ठीक, जिसे हम बोलते संपीड़ता, इनकी संपीड़ता क्या होती है, लो होती है, ठोसों की संपीड़ता क्या होती है, लो होती है। नंबर तीसरा पॉइंट देखो इनकी, ठीक इन, ये और अगला इनका, इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिसे हम बोलते गलनांक, इनकी गलनांक एवं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसे हम बोलते क्या, क्वथनांक, इनकी गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। अगला पॉइंट चौथा देखो इनको क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, मतलब इनको गलनांक और उनके क्वथनांक क्या होते हैं, इनके उच्च होते हैं। अगला इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लो, लो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है, मतलब जी लचीलेपन, पांचवा पॉइंट हाँ इनकी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब इनका फैलने का गुण, फैलने की प्रवृत्ति क्या होती है इनकी, कम होती है। तो वो ठोस बहुत ही कम मात्रा में फैलते हैं, जहाँ पर हम देखो जो है ये हमारी क्या है, ठोस, इनकी मतलब जी ठोस कम, यहाँ पर क्या लिखा है, गुण। चलो एक गुण और रह गया ठोसों का, अगला देखते हैं उस गुण को, ये पांच छठवां पॉइंट, ये गुण कौन सा है इनका, ठोसों की जी ठोस ए विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। जी हमने बता दिए ठोस के गुण, ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, अब हम देखेंगे ठोस के प्रकार, है डालो अगले ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार, तो वो ठोस के प्रकार, ठोस हमारे क्या दो प्रकार के होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं दो प्रकार ठोस के, नंबर पहला क्रिस्टलीय ठोस, लिए ठोस, और दूसरा होता हमारा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इसको हम बोलते क्या, क्रिस्टलाइन, सी आर वाई एस टी ए एल आई एन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसे बोलते हैं अब हम, बस सॉलिड जी हमारे दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस। अब इनके बारे में देखते हैं, क्रिस्टल ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टल ठोस क्या होती है। पहला इनमें देखो क्रिस्टल ठोस अक्रिस्टल ठोस क्या क्या होते हैं, चलो क्रिस्टल ठोस देखो, पहली हेडिंग डालो क्रिस्टल ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टल ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टल ठोस चलो देखते हैं, क्रिस्टल ठोस इनमें संरचनात्मक, देखो इनकी इनमें संरचनात्मक इकाई जैसे अणु कोमा परमाणु या आयन एक निश्चित, एक
निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं। देखो इनमें हमने देखो क्या रखा, इसमें संरचना देखाई, संरचना देखाई में मतलब अणु आ सकता, परमाणु, अणु, परमाणु या आयन कोई भी हो सकता, एक निश्चित ही क्रम में व्यवस्थित होंगे जी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इनका क्रम अनिश्चित होगा, मतलब एक निश्चित ही क्रम में जी व्यवस्थित होंगे जी, हमने इसमें लिखा है। तो जी हमने क्या लिखी, ये हमारी हो गई क्रिस्टली ठोस की परिभाषा। और इसमें देखो क्रिस्टली ठोस में क्या होता है, इनमें लिखो थोड़ा और लिख लो, इस निश्चित प्रकार की इकाई लगातार इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है, पुनरावृत्ति होती है। मतलब जी क्या होती है, दीर्घ परास के रूप में होती है, ठोस कहने का मतलब है जी। तो जी हमारे क्या होगा, ठोस के हमने जी क्या लिखा है, क्रिस्टल ठोस लिखा है। तो क्रिस्टल ठोस के उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण कौन कौन से आते हैं हमने क्रिस्टल ठोस में, तो क्रिस्टल ठोस में जैसे हमारा हो गया सिल्वर, ग्रेफाइट, सिल्वर ग्रेफाइट, नमक, साधारण नमक जिसे हम बोलते साधारण नमक, NaCl साधारण नमक हो गया हमारा, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज C12H22O11। तो जे हमारे क्या है, हमारी जे हमारे क्रिस्टली ठोस है ठीक। सिल्वर ग्रेफाइट साधारण नमक और सुक्रोज जे हमारी क्रिस्टली ठोस हैं। अब देखो क्रिस्टल ठोस भी कितने प्रकार के होते हैं हमारे, अब चलो क्रिस्टल ठोस के प्रकार देखते हैं। क्रिस्टल ठोस हमारे जो हो गए, अब हम अगले भी अब देखेंगे क्रिस्टल ठोस। अब देखिए हम अक्रिस्टल ठोस, दूसरा पॉइंट डालेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, चलो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखते हैं। इनमें लिखो, इनमें संरचनात्मक, इनमें संरचनात्मक इकाइयों, संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था की व्यवस्था, इसमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परास इकाइयों की, केवल लघु परास ही होती है। तो बे क्या होता है, मैंने उसमें बताया दीर्घ परास ही होती है जी, क्या होती है लघु परास, मतलब इनकी कोई भी संरचनात्मक इकाई होती, मतलब एक लघु परास में होगी, उसकी क्या होती है संरचना काई क्रिस्टल ठोस होगी, दीर्घ परास में होती। कहने का मतलब इसका अर्थात इनमें व्यवस्था, अर्थात इनमें व्यवस्था क्रम अनियमित, क्रम अनियमित होती है। तो जी हमारी हुई अक्रिस्टल ठोस की, इसके उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण क्या होते हैं इसके, जैसे कांच, रबर और प्लास्टिक, जो होते हैं हमारे अक्रिस्टल ठोस। देखो कांच है, कांच क्या होती है, कांच को जैसे हम कहीं पर ले, कांच अक्रिस्टल होता है, क्योंकि अगर हम कांच को थोड़ा कहीं से भी पटक दे तो क्या हो, टूट जाता है। तो जी हमारी सी रबाड़ है वो जी प्लास्टिक है, तो जी हमारे क्या हो गए अक्रिस्टल ठोस हो गए। चलो इस वीडियो में देखिए, अब अगले वीडियो हम देखेंगे अगला वीडियो, चलो इतना इसमें है, अगले वीडियो में देखेंगे क्रिस्टली ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय
ठोस के प्रकार। चलो अगले वीडियो हम देखेंगे क्रिस्टली ठोस के प्रकार। चलो रखते हैं।